बंक मारा तुमने? हाँ बंक भी मारा है और इस दिल के अंदर आके हमने स्टंट भी हम इसी में ही करते हैं। स्टंट भी हम बहुत करते थे, बोल रहे हाथ पैर भी बहुत तोड़वाए हमने यहाँ पर। अभी मेरे को बीच में बहुत सारे दलाल भी मिले थे पर मैंने वहाँ पर पैकिंग कराने से मना कर दिया। सीन कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइक जब जाएगी जब आपकी टिकट उस डेट की रहेगी और आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगा कि चल किसी और गाड़ी में पार्सल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी थी, गूगल पे भी सर्च किया था, वहाँ पे तो यही बता रहे थे कि किसी भी गाड़ी में आप ले जा सकते हो अगर ट्रेन में आप सफर भी नहीं कर रहे। तो मैं जानता हूँ पैसे खर्च हुए और कुछ नहीं हुआ है, खाली पैसे खर्च हुए और कुछ नहीं हुआ है। और अभी तो ऐसी नौबत आ गई थी कि पेट्रोल तक खत्म हो गया था। थोड़ा सदमे में चला गया हूँ तो मैंने अभी हेलमेट जो है अपने सिर से नीचे उतारा नहीं है, अब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, इसी से अच्छा है तुम फ्रॉड से बच गए। हाँ मेरे को 6,500 क्या पता गाड़ी की बैटरी निकाली। चल ना ये फ्लावर पार करेगा ना इसके लेफ्ट राइट साइड में मुड़ना होगा हमको। चढ़ा दे हाँ हाँ चढ़ा दे ऊपर चढ़ा दे। तो ये आ गए हम लोग पार्सल ऑफिस। अभी मेरे को बीच में बहुत सारे दलाल भी मिले थे पर मैंने वहाँ पर पैकिंग कराने से मना कर दिया। तो पहले तो यहाँ पर पूछताछ कर लेता हूँ ना, है ना, उसके बाद फिर पैकिंग कराएंगे। समय 9 बजे से लेकर 17 बजे तक रसीद जारी करता है समाचार पत्र। देखो इतने सारे पार्सल हैं, हमें तो वैसे बाइक पार्सल करवा दिया, डॉक्यूमेंट्स पूछ लेता हूँ क्या क्या लगेंगे। सो गाइस अपने साथ तो सीन हो गया, मैं बाइक लेके आया था, इकलौता बंदा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और कोई भी बाइक वाला नहीं दिख रहा यार, और ये ट्रांसपोर्ट चार्जर काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं मेरे से। सीन कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइक जब जाएगी जब आपकी टिकट उस डेट की रहेगी और आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा। और मेरे को तो कोई भी बंदा नहीं दिख रहा मेरे अलावा, यहाँ पर कोई बाइक लेके नहीं आया, बाकी सभी लोगों के यहाँ पर पार्सल है। तो ये पार्सल वाला तो समझ में आता है पर ये बाइक वाला सिस्टम समझ में नहीं आया मेरे को। तो यार अभी देखते हैं, एक दो बंदे आएंगे, किसी को बाइक अपनी पार्सल करनी होगी तो वो लोग आएंगे तो उनके साथ ही करवाऊँगा। तो फिलहाल तो अभी मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ और वेट करेंगे। एंड गाइस बड़े इस्तेफाक के साथ हमारे साथ एक सीन हो गया। मेरे को पता नहीं था कि राजधानी के अलावा किसी और गाड़ी के अंदर जाएगी नहीं ये, तो मैंने टिकट कटवा रखी थी 3rd Tier AC गरीब रथ की, जिसकी टिकट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा मिनिमम था। तो मेरे को ये लगा कि चल किसी और गाड़ी में पार्सल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, गूगल पे भी सर्च किया था, वहाँ पर तो यही बता रहे थे कि किसी भी गाड़ी में आप ले जा सकते हो अगर ट्रेन में आप सफ़र भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, जिस गाड़ी का टिकट होगा उसी गाड़ी में आपकी गाड़ी जाएगी, विदाउट टिकट आप बाइक को नहीं ले जा सकते। ले जाना चाहते हो तो आपको लीज पे अलग से लेके जाना पड़ेगा, तो फिर यार उसमें ज़्यादा चार्ज ले रहे थे लोग, कोई कोई 6,500 कोई 7,000 मांग रहा था। तो यार फिर दो रास्ते थे मेरे पास, या तो टिकट कैंसिल करवा के राजधानी की बुक करवा लूँ, लेकिन राजधानी की मुझे परसों की मिलती, मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बाइक को लेके जाएंगे, फिलहाल के लिए अभी इस बार रहने देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो निराशा होकर मेरे को वापस घर की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी पूरा मन बना के आया था कि बाइक लेके चला जाऊँगा और कल ट्रेन बैठ जाऊँगा। गाइस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, बुरा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि राइड करता हुआ ले जाऊंगा इसको। झंडे वाला माता मंदिर, ये एक और झंडे वाला है ना, ये वो वाला नहीं है ना, यही है जो झंडे वाला आते हैं, यही है। अच्छा रात के टाइम जो बंदे निकलते हैं इसी मंदिर में तुम आते हैं ना, मैंने नहीं पता था, चलो आज पता चल गया।
मेरा हाथ। सही है, ठीक है। फिलहाल गाइस बाइक पार्सल करवाने के लिए गया था, उसके बाद मैं घर आ गया था। घर आने के बाद मैंने खाना पीना खाया और साथ इसके साथ मैं और किसी काम से हम दोनों भाई बाहर गए थे, तो वो काम भी नहीं बना। आज का दिन मेरा बहुत बेकार रहा है। मेरा भी। तेरा भी रहा है। पता नहीं सुबह सुबह क्या आता है यार, कैसा दिन गया है मैं जानता हूँ। पैसे खर्च हुए और कुछ नहीं हुआ है। खाली पैसे खर्च हुए और कुछ नहीं हुआ है। और अभी तो ऐसी नौबत आ गई थी कि पेट्रोल तक खत्म हो गया था, तो अभी जस्ट थोड़ी दूर बाद वहाँ पे जो पान के खोखा दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से हमने आधे लीटर पेट्रोल भरा था, फिर इस बाइक को ले गए थे जिस काम से जाना था। और देख पेट्रोल भी नहीं डलवाया हमने, और मेरे को अब दोबारा कहीं जाना होगा ना, फिर दोबारा मेरे को सस्ता सा पेट्रोल लेना पड़ेगा। आगे से लेते ना, यहीं से ले ले, यहीं से ले ले साले। आगे से रोड जाम लगा रहता है यहाँ से, तो ये है कि चल अंदर पहुँच जाएंगे। मैं चश्मे में चंपू लग रहा हूँ, मुझे पता है चश्मा भी पहन रखा है ना। और ये हेलमेट, हेलमेट ये अनोखा वाला है। और ये हमारा बचपन का झील, यहाँ पर खूब हमने गिल्ली डंडे कंचे वंचे बंक बंक मारे। तूने बंक भी मारा है और इस झील के अंदर आके हमने स्टंट भी, हम इसी में ही करते हैं। स्टंट भी हम बहुत करते थे, सही बोल रहे हैं। हाथ पैर भी बहुत तोड़वाए हमने यहाँ पर। और ये हमारा छोटा सा सरकारी स्कूल, इसमें मैं नहीं पढ़ा लेकिन इसमें अंशुल तू पढ़ा है ना। मैं तो सीधा बड़े वाले पे गया। सारे सरकारी स्कूल हर आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी स्कूल है सब में पढ़ी पढ़ी थी। मैं सरकारी स्कूल पीछे चला गया। चलो तो मैं घर पे मिलता हूँ आपसे। फिलहाल हमारा आज का दिन तो बहुत बेकार रहा, पता नहीं अब कल का दिन कैसा जाता है। कल तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ से बाहर, कल अच्छा होगी। आज सोऊंगा मैं बहुत, क्योंकि मैं आज बहुत थक गया हूँ। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ पे खाएंगे छोले भटूरे। दिखाइए मत छोले भटूरे की दुकान मत दिखाइए, बिल्कुल भी बेइज्जती हो जाएगी सारे। तो गाइस मैं घर तक तो पहुँचा नहीं। तो ये हमारा दोपहर का लंच है, भटूरे छोले हैं, उसके साथ आलू की सब्जी है, और ये मेरा फेवरेट गाजर, उसके साथ प्याज, साथ ही ये लड़का ये नवाब, ये भी बहुत जोर की भूख लगी थी तो इसकी भी प्लेट में सेम चीज़ें हैं। प्याज, हाँ यहाँ भी प्याज है। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं दोपहर का लंच, और आपने तो कर लिया होगा, हमारे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। बाकी हम खाना पीने खाने के बाद तो गाइस दिक्कत कुछ ऐसी है कि छोले भटूरे खाने के बाद मैं घर पर आ गया और मैंने थोड़ा सदमे में चला गया हूँ। तो मैंने अभी हेलमेट जो है अपने सिर से नीचे उतारा नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक महीने से इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी बाइक को लेके जाऊंगा। इतने ज्यादा तुम दुखी हो चुके हो, गाड़ी नहीं जा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं घर पे ही हेलमेट लगा के बस सोच रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी मैं आधा हाईवे को लग रहा है कि मैं अभी बाइक पे राइड कर रहा हूँ। मैं यमुना एक्सप्रेस पे आ चुका हूँ और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर के बाद आगरा एक्सप्रेस पे आ जाऊंगा, आगरा में क्रॉस कर जाऊंगा। बट दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस सदमे से मैं अभी तक उभर नहीं पा रहा। तो बहुत कष्ट हो रहा है मुझे कि मैं अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रेन के साथ लेके नहीं जा पा रहा, मुझे गरीब रथ के साथ अकेला ही जाना पड़ेगा। और एक मिनट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जितने यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते सही सही जानकारी दिया करे है ना। हाँ भाई, जितने भी ब्लॉगर जो है ना ये ट्रांसपोर्ट वाले जो वीडियोस बनाते हैं पूरी डिटेल में बताया करे, क्योंकि मैं वीडियो देख कर ही गया था। सुबह सुबह बाइक लेकर पहुंच गया, सुबह 6 बजे उठ के और रात को 2 बजे सोया, एक्साइटमेंट में 6 बजे उठा और 6:30 बजे करीब घर से निकला बाइक लेकर, और वहां जाके पता चला कि आपकी बाइक नहीं जा सकती क्योंकि आपका टिकट राजधानी एक्सप्रेस के साथ नहीं है, तो इसलिए बिना राजधानी एक्सप्रेस में सफर किया आप नहीं ले सकते। पर एक मिनट, जिनको बाइक भेजना रहता है, जरूरी थोड़ी ऐसा है कि जो चाहेंगे उनके साथ ही बाइक जाएगा। मुझे नहीं जाना है तो बाइक को तो भेज सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन मेरे साथ वहाँ पे फ्रॉड होने वाला था और मेरे को धोखा दे, जो वहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के बाहर जो बैठे रहते हैं उन्होंने ऐसा मेरे से बोला, तभी मैं सदमे में आ गया हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि जब तक आपकी राजधानी एक्सप्रेस की टिकट नहीं कटेगी, आप उसमें सफर नहीं कर रहे होंगे, तब तक आप अपनी बाइक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मतलब बाइक सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस में जाती है क्या? ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ कहा उन्होंने, तभी मैं यार बाइक लेकर वापस घर आ गया। तब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, से अच्छा है तुम फ्रॉड से बच गए। हाँ, मेरे को 6,500 रुपए मांग रहे थे, बोल रहे थे लीज पे जाएगी आपकी बाइक, लीज पे ले लेते हैं ना ट्रेन की एक बोगी को, उसमें चली जाएगी आपकी, और पता नहीं वो कब लोड करवाते, कब मेरे को फिर वहाँ पे मिलती बाइक। तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, नेक्स्ट टाइम से आपका भाई खुद ही एकदम उड़ाता हुआ लेके जाएगा, ब्लॉग बनाता हुआ लेके जाएगा, वो भी
अकेला नहीं और एक लड़का साथ पे रखूंगा, कुछ हो ना जाए रास्ते में, तो इसलिए दो बंदे मिलकर ले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक सीमित है एंड आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड इस हेलमेट को बंद कर देता हूँ, हवा तेज आ रही है क्योंकि आंखों में धूल मिट्टी चल जाएगा। सब खैर।